हाय व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमर अपडेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वाले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के नेक्स्ट वाले अपडेट में आने वाले कुछ अपडेट, लाइक आयरन मैन का अपडेट कब आ रहा है, गोस्ट कार का अपडेट कब आ रहा है, न्यू व्हीकल्स का अपडेट कब आ रहा है, साथ में अपडेट आ कब रहा है। एक चीज तो आप देख ही सकते हो, यहाँ पर मैं गोस्ट कार की तरह दिखने वाली एक कार को ड्राइव कर पा रहा हूँ। ऐसा मैं कैसे कर रहा हूँ, वीडियो में आप बने रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप ये कार ले पाओगे। और अभी आयरन मैन का अपडेट आप कैसे ले सकते हो वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आयरन मैन का अपडेट कैसे लेना है, आपको क्या चीट कोड डालना है, कैसे क्या करना है, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट आप कैसे न्यू व्हीकल को ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक मस्टैंग GT कार खड़ी कर रखी है एंड उसके बगल में कौन सी कार है मुझे वो तो नहीं पता, बट हाँ ये कार आप कैसे ले पाओगे हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के अंदर, वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ में सबसे जरूरी चीज कि हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम का अपडेट कब आ रहा है। भाई आप सभी लोगों के काफी सारे कमेंट्स आ चुके हैं मुझे कि अपडेट कब आ रहा है, तो चिंता मत करो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सारे अपडेट आप ले पाओगे, साथ में अपडेट हमारे बाइक गेम का कब आ रहा है ये भी इसी वीडियो के अंदर अवेलेबल है। और हाँ चिंता मत करो, आपको ये भी जानने को मिलेगा कि अभी हमारे बाइक गेम का वर्क कहां तक कंप्लीट हुआ है और वर्क कब तक अभी चलेगा, अपडेट की डेट क्या है, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है। और साथ में आपके द्वारा किए गए मिथ्स, हाँ आपके कमेंट्स आए थे कुछ मिथ्स के, तो वो भी इस वीडियो के अंदर मैं ट्राई करने वाला हूँ, मतलब वीडियो धमाल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक आप लोग देख लेना। अगर जो आप सभी लोगों में से चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे वीडियोस आते रहते हैं, इन फ्यूचर में अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस डालता रहूंगा। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के इस बार के अपडेट में क्या क्या चीजें ऐड हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो हमारे इस बार के अपडेट में न्यू हाउस आ रहा है, ये कंफर्म कर दिया है रोहित गेमिंग स्टूडियो ने, आप स्क्रीनशॉट खुद देख सकते हो। यहाँ पर हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर न्यू हाउस आ रहा है, साथ में हमारे बाइक गेम के अंदर न्यू व्हीकल को मॉडिफाई करा जा रहा है, न्यू एंडीवर को ऐड कर रहे हैं और न्यू बिल्डिंग भी ऐड कर रहे हैं रोहित गेमिंग स्टूडियो, ऐसा सब कुछ हमें बताया रोहित गेमिंग स्टूडियो ने। बट अभी तक रोहित गेमिंग स्टूडियो ने हमें कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं बताई है कि अपडेट वो कब देने वाले हैं। फिलहाल अभी वर्क कहां पर वो कर रहे हैं, कौन सा वर्क कितना कंप्लीट हुआ है, मैं आपको वीडियो में बीच बीच में बताता रहूंगा, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है, सो बोरियत आपको फील नहीं होगी। गाइस मैं आपको चलो सबसे पहले मिथ बता देता हूं, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स काफी सारे आ चुके हैं मिथ को लेकर। अभी चलो सबसे पहले हम मिथ ट्राई कर लेते हैं। हमारा पहला मिथ है, अगर हम हेलीकॉप्टर को लेकर स्काई फॉल करेंगे तो हमारे साथ अजीब चीजें होंगी, हेलीकॉप्टर आपको बाहर निकाल देगा। भाई ने कुछ गलत लिखा था इसलिए मैंने घुमा फिरा के पढ़ा। मैंने यहाँ पर देखो हेलीकॉप्टर को स्पॉन करा लिया, मुझे यहाँ पर स्काई फॉल करना होगा, तो मैं यहाँ पर कोड डालता हूँ 11 20 एंड यहाँ पर इंटर वाले बटन पर जैसे मैं प्रेस करता हूँ, भाई देखो हमारा कैरेक्टर बिल्कुल ही गायब हो चुका है। यहाँ पर देखो कोई विजुअल शो नहीं हो रहा है, अब यहाँ तक कि हमारा कैरेक्टर भी गायब हो गया है, मतलब हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के अंदर ऐसा मिथ अवेलेबल है, दैट्स मीन ये वाला मिथ कंफर्म है। हमारा अगला मिथ है, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम पर 5x0 चीट कोड डायल करना एक बाइक पर इंटर करने के टाइम पर, मतलब एक बाइक को इंटर करने के टाइम पर हमें 5x0 डायल करना। चलो अब हम ये कोड ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं होता क्या है, ये मिथ कंफर्म है या फिर बस्ट है। तो हमें यहाँ पर एक बाइक स्पॉन करानी है, कोई रैंडमली कोई एक बाइक स्पॉन करा लेनी है, क्योंकि मिथ में कोई भी बाइक का नाम नहीं दिया गया कि यही वाली बाइक स्पॉन करा ली है। मैं यहाँ पर कोई सी भी एक बाइक स्पॉन करा ले, ओ भाई हमारी पोर्शे करेरा GT आगे, बट इसे छोड़ते हैं, हम यहाँ पर एक बाइक स्पॉन करा लेते हैं। 400 डाल के मैंने यहाँ पर ZX10R बाइक को स्पॉन करा लिया है। अब मैं यहाँ पर वो वाला कोड डालूंगा, मतलब 5x0 डायल कर देता हूँ एंड उसके बाद इंटर करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है, भाई जैसे मैंने इंटर, ओ भाई ये तो यार हमारा कैरेक्टर यार यहाँ पे आउट हो गया, मतलब वास्टेड हो गया, हमारा कैरेक्टर मर गया, ये वाला मिथ कंफर्म है, 100% वर्क करता है। सो हमारा अगला मिथ है, अगर हम NPC के ऊपर 5 sticky बॉम्ब लगा के उसे दूर जाके स्नाइपर से मारेंगे, जैसे ही वो गिरे स्टिकी बॉम्ब को एक्टिवेट करना, करने वाला बटन को बार बार दबाते हो तो देखो चंद्रयान। सच में ऐसा कोई मिथ अवेलेबल है क्या हमारे बाइक गेम के अंदर, तो चलो हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। भाई मुझे एक चीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इन जो NPC होते हैं ना, इन NPCs के ऊपर यार ये स्टिकी बॉम्ब लगाना, क्योंकि यार ये भागते रहते हैं और हमारा कैरेक्टर भी उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। बट मैंने यहाँ पर किसी तरीके से यहाँ पर 2 लगा दिया, अब मैं यहाँ पर थोड़ा और पास जाता हूँ, भाई ये तो दूर चला जाता है यार, तभी मजा नहीं आता। 3 लग गए हैं, हमें यहाँ पर 5 लगाने हैं। ठीक है मैं यहाँ पर और फेंक कर देख लेता हूँ, थोड़ा पास जाता हूँ, काफी दूर निकल गया है। ओ भाई हमारे पास ये, देखो मैं फेंकूंगा फिर भी इसके ऊपर नहीं लगेगा, देखो मैं फेंकता हूँ, एक सेकंड देखो यार हट गया ना तुरंत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर स्टिकी बॉम्ब
लगाना बहुत ही ज्यादा टफ होता है। मैंने यहाँ पर 4, 1, 5, 5 लगा दिए हैं। अब मुझे दूर जाना होगा, ठीक है, अब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमें यहाँ पर दूर जाना होगा, जैसे मिथ में पूछा गया था हमसे, एंड दूर जाने के बाद हमें यहाँ पर इसके ऊपर फायर करना होगा, वो भी स्नाइपर गन से। यहाँ पर मैं स्नाइपर गन को ले लेता हूँ और मुझे यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो हमारा एनपीसी होगा वो जैसे ही गिरेगा हमें अपना बॉम्ब एक्टिवेट करना है, तो हमें ध्यान से सारी चीजें करनी है। मैंने यहाँ पर स्नाइपर से ले ली है एंड मैं इसके ऊपर लगाता हूँ भाई निशाना। देखो मैं लगा रहा हूँ ध्यान से, आप लोग भी। एक बार लग गया है तो मुझे फटाक से यहाँ पर बॉम्ब वाला ऑप्शन निकालना होगा। यहाँ पर जैसे मैंने एक्टिवेट करा एंड फिर से मैं इसके ऊपर हाथ रखता हूँ, एक बार देखता हूँ भाई। ओ यार वो देखो, वो सच में चंद्रयान बन गया यार, काफी बढ़िया मिथ था यार। एक बार फिर से मैं ट्राई करूँ क्या इसको? बट एनीवे कुछ भी मैं फिर से नहीं ट्राई करने वाला हूँ। ये मतलब ये वाला मिथ कंफर्म 100% वर्क कर रहा है। अब हमारा अगला मिथ है, अगर हम मॉन्स्टर थार पर उतरेंगे चढ़ेंगे तो हमारा प्लेयर हवा में रहेगा। तो चलो अब हम ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी जो मॉन्स्टर थार है उसे स्पॉन कर लिया है। अब हमें यहाँ पर उतरना चढ़ना रहेगा, बार बार यही करना होगा। एंड देखते हैं हम हमारा कैरेक्टर नीचे जमीन पर जाता है या फिर नहीं जाता है। मैं फिर से बैठ गया एंड फिर से उतरूंगा इससे एक बार एंड फिर से बैठ जाऊंगा। जैसे मैं बैठता हूँ देखो भाई हमारा कैरेक्टर हवा में रहता है, दैट्स मीन ये वाला मिथ कन्फर्म है। तो चलो अब हम अगले मिथ की ओर बढ़ते हैं। सो हमारा अगला मिथ है, प्लेन को स्पॉन करो और उसके ऊपर जाओ, स्काई फॉल करो और देखो मैजिक। अब इस मिथ के हिसाब से हमें सबसे पहले प्लेन को स्पॉन कराना होगा एंड उसके बाद हमें उस प्लेन के ऊपर जाना होगा, तो हम अपना स्काई फॉल करेंगे एंड उसके बाद मैजिक होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर प्लेन को स्पॉन करा लेता हूँ। मैंने जस्ट यहाँ पर प्लेन को स्पॉन करा लिया है एंड आप देखोगे तो ये येलो कलर का प्लेन स्पॉन हो चुका है। अब कलर वगैरह बताना हमारा काम नहीं है, बट यहाँ पर हमें जो ये प्लेन है ना इसके ऊपर जाना होगा। तो हम यहाँ पर यार रेंडमली अगर जो इसके ऊपर चढ़ने का ट्राई करेंगे तो ऐसा नहीं होता कि हम डायरेक्ट ही इसके ऊपर चढ़ जाएं या फिर इसके ऊपर चले जाएं। भाई मैंने बहुत ट्राई करा और मैंने यहाँ पर देख लो आप, मैं ट्राई भी करके देख लेता एक बार आप लोगों के सामने। अब लैम्बोर्गिनी स्पॉन हुई लेकिन वो दूर स्पॉन हुई। मैं इसको बैठ के, ओ भाई हमारा ये वाला जो प्लेन है वो तो पास ही आ गया, तो हम यार फालतू का बैठ गए लैम्बोर्गिनी के अंदर। तो लैम्बोर्गिनी मैंने इसलिए स्पॉन करी क्योंकि हम लैम्बोर्गिनी के ऊपर चढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको विजुअल दिखा देता हूँ। जैसे मैं लैम्बोर्गिनी के ऊपर चढ़ गया एंड मैं अब इसके ऊपर चढ़ने का ट्राई करता हूँ, भाई हो ही नहीं रहा। मतलब यार इस मिथ को कन्फर्म या फिर बस्ट करने का मैंने काफी ट्राई करा, मतलब हमें इस प्लेन के ऊपर जाना होगा एंड मैं वही नहीं कर पा रहा था, प्लेन के ऊपर ही नहीं जा रहा था। अगर जो मैं प्लेन के ऊपर जा रहा था तो नीचे आ जा रहा था और मैंने हार मान ली। भाई ये वाला मिथ मुझसे कन्फर्म या फिर बस्ट यही नहीं पता चल पाया, बट मैं नेक्स्ट टाइम जरूर ट्राई करूंगा कि ऐसा मिथ मैं जरूर कन्फर्म या फिर बस्ट करने का प्रयास करूं। लाल भाई आपने मिथ दिया और मैं ट्राई नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में ये जरूर ट्राई करूंगा या फिर ऐसा कोई ट्रिक मैं कर पाता हूं, इस प्लेन के ऊपर जा पाता हूं, तो मैं आपको ये वाला मिथ ट्राई करके 100% जरूर दिखाऊंगा। फिलहाल यार अभी के लिए तो सॉरी, मैं ये वाला मिथ ट्राई नहीं कर पाया। हमारा अगला मिथ है, भाई अगर आप थार के ग्लास को तोड़ोगे और उसके सेंटर में रॉकेट लॉन्चर चलाओगे तो थार के बीच से निकल जाएगा, प्लीज चेक। सबसे पहले हमें यहाँ पर थार को स्पॉन कराना होगा, तो मैं यहाँ पर थार को 90-90 कोड डाल के स्पॉन करा लेता हूँ। अब हमें इसके सामने वाला ग्लास तोड़ना होगा क्योंकि आप साइड के दोनों मिरर तोड़ोगे तो ये वाले टूटते ही नहीं है। हमारा जो ये ग्लास है वो टूट गया है यहाँ पर साइड मिरर पर। मैं देखो भाई गोलियां चला रहा हूँ, हमारा साइड मिरर टूट ही नहीं रहा है। अब हमें यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च करना होगा और बिल्कुल सेंटर में लेके, जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैंने रॉकेट लॉन्चर को लिया और बिल्कुल सेंटर में लेके लॉन्च किया, तो यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर मिरर भी लगा हुआ है और अगर जो हम रॉकेट लॉन्चर भी छोड़ते हैं तो हमारा रॉकेट लॉन्चर इससे आर पार हो जा रहा है। मतलब ये वाला मिथ कन्फर्म है। हमारा अगला मिथ है, अगर आप इन्फिनिटी हेल्थ लगाओगे और एक हॉर्स लेके स्काई फॉल लेकर हॉर्स में बैठ जाओगे तो अपना कैरेक्टर बहुत अजीब पोज में बैठेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इन्फिनिटी हेल्थ ऑन कर लेनी है, तो मैंने यहाँ पर इन्फिनिटी हेल्थ ऑन कर ली है। अब हमें यहाँ पर एक हॉर्स को स्पॉन कराना होगा, तो मैं यहाँ पर हॉर्स को स्पॉन करा लेता हूँ 200 कोड डाल के। जैसे मैंने हॉर्स को स्पॉन कराया, हॉर्स आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर 11-20 डालना है एंड 11-20 डालते ही मुझे इस हॉर्स के ऊपर बैठ जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर 11-20 कोड डाला, मैं हॉर्स के ऊपर बैठा एंड यहाँ पर देखो हमारा स्काई फॉल हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं क्या हमारा कैरेक्टर जो है वो हॉर्स के ऊपर अजीब तरीके से बैठता है या फिर नहीं। ये तो नहीं बैठा, बट यहाँ पर यार इसका पोज अलग तरीके का हो गया। देखो यहाँ पर इसका बिहेवियर चेंज हो गया और हमारा कैरेक्टर ऐसा लग रहा है जैसे सुसु करने जा रहा हो। भाई बिल्कुल सेम वैसा ही देख सकते हो, बिल्कुल एकदम सेम वैसा ही वर्क कर रहा है। और यहाँ पर देखो भाई हमारा कैरेक्टर हॉर्स के आर पार चला जा रहा है, मतलब ये जो हॉर्स है ना ये इनविजिबल हो चुका है। मैं यहाँ पर एक बार एक और हॉर्स को स्पॉन करा के देख लेता हूँ क्या उस पर भी ये सेम चीज वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। यहाँ पर देखो भाई उस पर भी ये सेम चीज वर्क कर रही है, हमारा कैरेक्टर अजीब सा बिहेव कर रहा है, दैट्स मीन ये वाला मिथ कंफर्म है। ओके, सो हमारा अगला मिथ है, अगर हम ट्रेन की पटरी पर ट्रक की
ट्रॉली के ऊपर चढ़ जाएंगे तो ट्रेन हमारे आर पार चली जाएगी। अब मैं ये ट्राई करने के लिए यहाँ पर ट्रेन की पटरी पे आ चुका हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपना जो ट्रक है वो स्पॉन कराना होगा एंड उसकी ट्रॉली पे जाके बैठना होगा और उसके बाद हमें ट्रेन को एक्टिवेट कर देना होगा। अगर जो ट्रेन आके हमारे कैरेक्टर के आर पार चली जाती है तब तो ठीक है, हमारा कैरेक्टर बच जाएगा और ये मिथ जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। अगर जो ट्रेन हमारे कैरेक्टर को मारती हुई चली जाएगी तो हमारा ये वाला मिथ जो वो बस्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अपना जो ट्रक है उसे स्पॉन करा के लगा लिया है एंड मैंने यहाँ पर इस ट्रॉली के ऊपर अपने रख दिए कदम, मतलब कैरेक्टर के कदम को भी रख दिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इंजन को स्टार्ट किया है एंड फॉरवर्ड पर क्लिक करा। धीरे धीरे ट्रेन हमारी ओर बढ़ रही है एंड खतरा हमारे पास आता जा रहा है। अगर जो हमारी ये जो ट्रेन है हमें मारती हुई चली जाएगी तो ये वाला मिथ बस्ट हो जाएगा। अगर जो हमारी ट्रेन हमको आर पार कर देगी, मतलब हमसे इनविजिबल होके निकल जाएगी, तो मतलब हमारा ये वाला मिथ कंफर्म हो जाएगा। तो ट्रेन हमारे पास आ चुकी है, देखते हैं क्या होता है। ओ भाई साहब, उसने हमें मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म हो गया, मैटर खल्लास हो गया। अब ये तो हो गई मिथ वगैरह की बात, बट अब बात कर लेते हैं हमारे बाइक गेम का अपडेट कब आएगा। देखो यार, अभी कोई एक्सपेक्टेड डेट रोहित गेमिंग स्टूडियो ने हमें नहीं बताई है। अगर जो बताएंगे तो मैं आपको वीडियो बना के जरूर बताऊंगा। अभी कोई भी अपडेट की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई है। और हाँ, जो भी चीजें ऐड होने वाली थी बाइक गेम में या फिर अभी तक जितनी भी रोहित गेमिंग स्टूडियो ने हमें सेंड करी है वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दी है। फिलहाल गाइस, आज का हमारा ये वाला वीडियो यहीं तक था। आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और आप लोगों का जो भी मन हो कर देना, फिलहाल कर जरूर देना। फिलहाल तो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।